आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ये काफी काम आता है, कंपटीशन में भी काम आता है और बाकी जगह भी। अब इसमें लिखा हुआ पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए, 1 से लेके 10 तक तो हमें टेबल ही याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब मेन काम स्टार्ट हो, जो हमें दिक्कत ही पड़ती है कि 11 का पूछ लेते हैं, 12 का कंपटीशन में उन्होंने कहा 37 का स्क्वायर कितना होता है, 49 कितना होता है, 19 का कितना होता है, ये सब देखते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले मिलेंगे 11 का स्क्वायर। तुम्हारा टारगेट क्या है, 11 का स्क्वायर निकालना है। देखिए फॉर्मूला कैसे यूज कर, ट्रिक देखिए इसकी। हमने यहाँ पर 11 लिखा, इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। देखिए ये राइट साइड में 1 है, तो जब जब 1 का करेंगे तो 1 1 से कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, लिख दिया 1। फिर ये वाला 1 यहाँ पर है, इसका भी करो 1 1 से कितना होता है, 1, यहाँ 1 लिख दिया। अब ये जो 1 था, ठीक है, इसका डबल करिए तो 1 का डबल कितना होता है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तुम्हारा कितना बन गया, 121। तो ये 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको, ये यहाँ पे है हमारा 11 का स्क्वायर है, ये लिख देंगे यहाँ पर 121। फिर से देखिए इसको, हम मिटाकर फिर से चेक करते हैं किस तरह से करना है। हमें क्या करना था, 11 का स्क्वायर, ठीक, 11 का स्क्वायर बोला, तो ये 1 था, तो 1 का क्या हुआ, 1 1 1 रहा, ये वाला 1 था, इसको करो 1 1 1 1, उसका उसी में टेबल पड़ा, ये 1 था, ये 1 1 1 1 1 1 1, और ये फिर बीच में क्या कहेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में जो 1 था इसका डबल कर दो, तो 1 का डबल क्या होता है, 2, 1 का डबल 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, तो आंसर क्या आ गया, 121, 11 11 121 स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया 11 11 121। अच्छा, अब इसके बाद यही, अब हम यही ट्रिक सब पे अप्लाई करनी है। हम करते हैं 12, नेक्स्ट नंबर क्या है, 12 का स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर देखिए कैसे करेंगे, ये 12 रख लिखा हमने, इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। फिर वही ट्रिक यूज करेंगे, 2 था तो 2 का क्या रहेगा, 2 2 जा 4, लिख दो 2 2 जा 4। ये जो 1 था तो 1 1 1 जा 1, उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर से 2 2 जा 4 1 1 जा 1। अब 2 का ये नंबर था, अब हम मल्टीप्लाई कर उसको डबल करेंगे, 2 का डबल कितना होता है, 4, तो अब जो आएगा नंबर वो बीच में रखेंगे, तो आ गया 4, क्या आ गया 144, तो 12 12 144, इसको यहाँ लिख देंगे 1 4, तो 12 12 144, ठीक। फिर से देखिए इसको एक बार, फिर ट्राई करते हैं इसको फिर देखते हैं कि हमारा कैसे ये 12 का स्क्वायर आएगा। यही ट्रिक हम सारी, कोई नंबर कोई सा भी हो, सब में ट्रिक काम करेगी ये। फिर से देखिए 12 का, ये जो 2 था नंबर, 2 को 2 से करिए, 2 2 जा कितना हो गया, 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। ये 1 था तो 1 1 जा कितना होता है, 1 1 लिख दिया, और बीच में लिखेंगे इस नंबर का लास्ट वाले का डबल, तो 2 का डबल क्या होता है, 4, तो हमने 4 लिख दिया, वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, तो आ गया हमारा 12 12 जा 144। अब इसके बाद आते हैं 13 पे, 13 का स्क्वायर, देखिए ट्रिक वही है, सेम यूज करना है, 13 का स्क्वायर बोला है, तुम्हारा उसमें लिखते हैं 1 3 30, इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। अब देखिए ट्रिक ध्यान से, 3 था तो 3 का 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, तो 9 लिख दिया, ठीक है, 3 था तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आ गया। 1 का 1 से करो, 1 1 जा 1, और 3 का इसका आप डबल करेंगे, 3 का डबल क्या होता है, 6, तो लिख दिया 169। फिर से एक बार करते हैं इसको, पहले लिख लेते हैं इसका आंसर 13 के लिए, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 6 और 9। और फिर से देखते हैं कैसे किया हमने, देखिए 13 का स्क्वायर था ये, क्या किया पहले, जो 3 था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 से कितना हो गया, 3, जो राइट साइड में नंबर है उसको पहले स्टेप में क्या करेंगे, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, और जो आया लिख दो 3 3 जा 9।
फिर इसके बगल नंबर है वन है, इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करो, वन सा वन, तो यहाँ वन लिख दिया। अब जो राइट साइड का नंबर था उसका डबल कर दो, थ्री का डबल कितना हो सिक्स, और इसको फिर बीच में लिख दो, तो गया सिक्स, तो गया 169। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका, 13 का स्क्वायर 169। अब देखते हैं 14 इसके बाद नेक्स्ट। फोर्टीन इसका हम क्या करना है स्क्वायर, फिर वही ट्रिक, ये नंबर है फोर, फोर का फोर सर फोर, फोर जा 16। अब थोड़ा देखना ट्रिकी हो गया, फोर फोर जा 16, अब कैरी वन बचा है, फिर देखिए फोर कैरी नहीं तो डायरेक्ट लिख देते, फोर फोर जा 16, कैरी वन बचा तो कैरी को हम कहीं लिख देते, यहाँ पर ये कैरी वन कर दिया, फिर इसका भी करो वन वन जा वन, तो वन वन जा वन यहाँ लिख दिया, ठीक ये कैरी हमारा है अभी, ठीक है। अब बीच में क्या करेंगे, फोर का डबल कितना होता है एट, फोर का एट होता है, तो देखिए फोर का डबल एट था, हमने एट लिख दिया, और जो कैरी वन था वही जोड़ेंगे, तो एट प्लस वन कितना हो गया नाइन, तो यहाँ बीच में क्या लिखेंगे आप नाइन लिखेंगे, तो हमारा 196। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 हो गया ये। फिर से देखिए इसमें थोड़ा टफ लग रहा होगा यार, देखिए हमें स्टेप वही फॉलो करने, भले टफ ना स्टेप सेम रहे, राइट वाला फोर था, फोर का कितना होगा, फोर का फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर था 16, तो 16 का हम सिर्फ सिक्स लिखेंगे, और जो कैरी वन बचा है अलग से रख देंगे उसको, वन का स्क्वायर करेंगे वन वन जा वन, फिर नेक्स्ट स्टेप टू क्या था कि जो राइट वाला नंबर था उसका डबल कर दो, फोर का डबल क्या हुआ एट, अब एट तो हो गया लेकिन हम सिर्फ एट नहीं लिखेंगे, एट को जो वन कैरी था उसके साथ ऐड करेंगे, एट प्लस वन कितना हो गया नाइन, ये फाइनल है नाइन, तो हम इसको लिखेंगे तब होगा 14 जो 196, क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं। अब देखते हैं 15 का, 15 का स्क्वायर बोला है इसने, 15 इसका हम क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर वही तरीका 5 था, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, तो 25 का 5 लिख देंगे, और जो 2 था वो छोटा सा कैरी कर देंगे, 1 का स्क्वायर करो 1 1 जा 1, और 5 का डबल करेंगे, 5 का डबल कितना हो 10 और 2 पहले था, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, अब देखिए 12 में भी दो डिजिट नंबर है, 12 में से भी जो 2 है इसको तो हम यहाँ लिख देंगे, 2 को यहाँ लिख दिया, और जो 1 था इस 1 को यहाँ कैरी कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5 का तो 5 हो गया, देखिए 5 का 5, 2 का 2, वही जो 1 था 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि 225, तो क्या हो गया 225, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 225। चलिए एक बार उसको देखते हैं फिर से कैसे किया, फिफ्टीन का स्क्वायर, ठीक 5 5 जा 25, तो 25 का 5 यहाँ लिख दिया हमने, और 2 कैरी हो गया हमारा, तो हमने अलग से छोटा सा यहाँ लिख दिया कैरी, अब 1 का अगर 1 1 जा 1, फिर अब बीच वाले नंबर जो था उसका डबल करेंगे, तो 5 का डबल क्या होता है 10, 5 10, और जो कैरी 2 था इसमें ऐड करेंगे इसको, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो 12 में से क्योंकि कैरी हमें बी यह नंबर चाहिए और ये कैरी रहेगा 2, तो ये 2 जो है सॉरी ये 2 जो है हम यहाँ लिख देंगे, और जो कैरी हमारा 1 बचा तो कैरी कहाँ पहुँच जाएगा, कैरी पहुँच जाएगा इसके ऊपर, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया ये हो गया, ये 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो इसको मिटा के हम क्या कर दिया इसको मिटा के हमने कर दिया 2, तो हमारा आ गया 225, ये हो गया 15 का स्क्वायर 225। अब नेक्स्ट देखते हैं 16 के लिए, ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और क्लास 10th के लिए 9th के लिए 8th के लिए बहुत कम आता है, कई बार स्क्वायर पूछते हैं हमको, हमारे पता है मालूम है कोई मेथड दिया भी 8th क्लास में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, है ना, तो उसके लिए हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं। अब 16 का देखिए, 16 का स्क्वायर तरीके यूज करेंगे, 6 है तो 6 6 36, 36 का 6 लिख दिया हमने, 3 हमारा कैरी हो गया, 3 अलग से रख दिया, 1 1 जा 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया हमने। अब देखिए अब इस वाले के 6 का डबल कितना होता है 12, और 12 प्लस 3 पहले था, ठीक 6 का डबल 12 और 3 कैरी पहले से था, तो कितना आ गया 3 प्लस 2 5 और 1, तो ये जो 5 है इसको तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा 5, और ये जो 1 था ये कैरी चला गया इसके पास 1, डिफाइन कितना 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया, तो इसको मिटा के यहाँ कर दो 2, तो आंसर क्या आ गया 256।
16 16 वाले में क्या लिखेंगे हम 256। अच्छा अब इसके बाद 17 का, अभी सारे आंसर हम इसमें चेक भी करेंगे बाद में नेट पे कि सही आ रहे कि नहीं आ रहे। अब 17 का बोला है तो 17 का स्क्वायर, फिर वो 7 का क्या होता है, 7 को 7 से करेंगे, 7 7 से 49, तो 49 का हमने 9 लिख दिया, 4 हमारा क्या हो गया कैरी। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 1, ठीक। अब देखो अब 7 से राइट इसका डबल करेंगे, 7 का डबल क्या होता है 14 14 और 4 पहले से था, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। अब 18 में ये 8 तो हमने बीच में रख दिया जो हमारा पुराना रूल है, ठीक है, वही जो 1 है ये कैरी चला गया इसके पास, कैरी 1 कर दिया तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो इसको मिटा के क्या लिख देंगे हम 2, तो आंसर क्या आ गया 289। तो यहाँ लिख देंगे हम 70 स्क्वायर में 289। अब इसके बाद 18 का देखते हैं, फिर अभी अब देखिए राइट हैंड साइड 8 8 8 जा कितना होता है 64, तो 64 का 4 और 6 हमारा कैरी हो गया, 1 1 1। अब 8 अब फिर से 8 इसका डबल करेंगे, 8 का डबल तो 16 होता है, 16 और कैरी 6 था तो 16 प्लस 6 कितना हो गया 6 2 12 कैरी 1 1 1 2 हो गया 22। अब 22 में से ये 2 तो हमने यहाँ लिख दिया और ये जो दूसरा 2 था ये यहाँ कैरी चला गया, कितना हो गया 2 प्लस 1 3, इसको मैं क्या कर दिया 3, तो आ गया हमारा 324, ये हो गया 324। उसके बाद 19, का स्क्वायर ये राइट वाला 9 है, इसका क्या करेंगे 9 9 से कितना होता है 81, तो 1 यहाँ लिख दिया 8 हमारा कैरी, 1 1 1 होता 1 लिख दिया, 9 का डबल क्या होता है 9 2 18, तो 18 अब इसमें कैरी में ऐड करेंगे, 8 2 16 का 6 कैरी 1 1 1 कितना हो गया 2 26 आ रहा है, ये 6 तो बीच में लिख दिया हमने, ये जो 2 था ये 2 यहाँ आ गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो इसको मिटा के डायरेक्ट लिख दिया 3, तो हमारा कितना आ गया 361। तो 19 का स्क्वायर हो गया हमारा 361। लास्ट बचा 20, अब देखिए 20 का सारी वैल्यूज हम नेट पे चेक करेंगे कन्फर्म जाएगा कि सही है कि नहीं जो हमने मेथड यूज किया है। 20 का स्क्वायर तो 0 था राइट, इसको 0 का 0 0 कितना होता है 0, तो 0 लिख दिया, और 2 2 2 का कितना होता है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। अब फिर बीच वाली प्लेस बची हुई इसके क्या करेंगे 0 का डबल, 0 का डबल क्या होता है 0, इसमें लिख दिया 0 तो मारा गया 400, तो यहाँ लिख देंगे 400। ये हो गया, अब इसका आंसर चेक करते हैं नेट से। अब इसका आंसर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, यहाँ तो ठीक है। 11 का चेक करते, 11 का दिया 121, वाला सही है। 12 का 144, ये भी ठीक है। वन फिर 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद 16 का 256, ठीक है। 17 का 289, ये भी ठीक है। 18 का स्क्वायर दे रहा है 289, ठीक है। 8 फिर सॉरी 17 का 289, 18 का 324, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, ये तो हमारा हो गया। इसको अब हम बाय डिफॉल्ट कोई एक नंबर और लिख के इस तरह से वैसे क्या देखिए इतना ही काफ़ी। अगर आप इतने से कोई सा ये ट्रिक अगर किसी भी यूज़ करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना तो आराम से निकल जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 100 2000 का स्क्वायर करना है कि 1 लाख का कि 99 का, तो इसमें हम आराम से आंसर लगा सकते हैं।